ये प्लान ठीक है या अभी भाग चले? फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। बाग मिलो दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ साथ साथ फिर दर दर ये, कभी सहरा कभी सावन बनु रावण, जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच क्या माया है दाता, है दाता। इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओ, खींचे तेरी यादें तेरी ओ। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं। मैं छाव बन जावा तेरी खुशियों के खातिर, मैं सारे जग से लड़ जावा, है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं। दोस्तों, ऐसी भारत में कई जगह हैं जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधारा गांव। कहा जाता है ये गांव पिछले बहुत सालों से शापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहां गए इसका कोई नहीं पता। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज इसी कड़ी में हम कुलधरा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी वहां जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से सुंदर से गांव को
एक वीराने में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले ये कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय में ये बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है, उन जगहों में कुलधरा गांव भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है, क्योंकि रात में कभी वहां औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहां घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वो अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनके कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। खैर, क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान की सरकार की हरकत ने इन सबको सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, पर इस बात को जरूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान का सबसे मशहूर गोल्डन शहर, इसी गोल्डन शहर का नाम जैसलमेर है। इसका नाम खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब पीले रंग में रंगे नजर आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर में पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। दोस्तों, जैसलमेर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा बसा हुआ है। कुलधरा गांव तो वीरान ही है, पर जब आप जैसलमेर से कुलधरा के लिए जाएंगे तो वहां की सड़कें भी आपको एकदम सुनसान मिलेंगी। ना लोग, ना उतनी गाड़ियां, कहीं दूर जाकर आपको एक आधा गाड़ी नजर आ जाए तो नजर आ जाए, वरना वो भी नहीं। इतना ही नहीं, जब आप पहुंचकर गेट के अंदर से घुसेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। गर्मी के दोपहर में हमारी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं, पर कुलधरा में आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से सन 1291 में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहां पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण इस जाति के लोग अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता था क्योंकि ये उस वक्त में भी अच्छी तकनीक का यूज करके घर बनाते थे, जिसमें से कुछ घर वहां आज भी मौजूद हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको नए जैसे दिखाई देंगे। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। Oh, honey.
से मीना से न साथी से मैं से मीना से न साथी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके